साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। गड़बड़ ये हो गई, 80% तो हो गया नाच गान, 20% रह गई कथा। तो ज्ञान विरहित हो गए बूढ़े, भक्ति हो गई जवान। समझ में आ गई बात आपको? ऐसा चलता है तो बेचारे अब क्या करें, ज्ञान में रह गए। कोई ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं करे। लोगों ने कहा अरे भाई सुनो, थोड़ा प्रसंग पे बात करो थोड़ा सा। अरे बाप जी प्रसंग नहीं, तो भजन गाओ थोड़ा, थोड़ा डांस करना है। अरे डांस तो करेंगे यार, कृष्ण जन्म आएगा, डांस ही करना है। खूब नाचेंगे झूमेंगे आनंद लेंगे, वो कोई नहीं, उसका भी रस है, लेकिन थोड़ा कथा को भी तो समझो कि है क्या। तो ज्ञान मेरा की डिमांड कम हो गया। आपने तो ठाए थे तो सब व्यापारी लोग हो, भाई बिजनेसमैन हो, जो प्रोडक्ट कम बिकता है फिर उसका तो हम ऑर्डर नहीं करते यार, जा ही नहीं रहा है माल, नाल ही नहीं बिक रहा, छोड़ो, और जो जाएगा वो उसका ऑर्डर करोगे। ऐसा हो गया। तो भक्ति बोलती है नारद जी से, बाबा मेरा तो ठीक है लेकिन मेरे बेटों का हालत खराब है, इनका मार्केट नहीं है, अब इनका मार्केट बनाओ आप और इनको आप कुछ करो ताकि ये जवान हो जाए, इनकी महिमा बढ़े। तो नारद जी बोले आप तो भक्ति हैं और भक्ति तो हमको भी प्रिय है और भगवान की आप सबसे बढ़िया प्रिय हैं, और हम आपका काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैं तो खुद आपका ही दास हूं। इसलिए भक्ति महारानी मैं आपको वचन देता हूं, भक्ति सूत्र की बात आती है ना, उसके आचार्य भी तो संत नारद जी हैं। तो नारद जी ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि भक्त आपके पुत्रों का बुढ़ापा अगर मैंने दूर नहीं किया और घर घर में आपका प्रचार नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। और संत नारद जी सज्जनों, ज्ञान वैराग्य के पास में गए, जाकर कहने लगे उठो ज्ञान जागो वैराग्य, पर कोई असर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य कोई असर नहीं, तो फिर वेद का पाठ किया तो भी कोई असर नहीं, वेदांत का पाठ किया फिर भी कोई असर नहीं। तो गीता पाठ ही मुहर मुँह, बार बार गीता महारानी का पाठ किया तो पाठ करे जड़ तक गए, दोनों जवान बने रहे लेकिन पाठ ने रोके तो बुढ़ा होने टपड़ जाओ। नारद जी समझ गया तो गड़बड़ हो रहा है, वो तो प्लग में लगाओ चार्जर तब तो ठीक है, और चार्जर से डिस्कनेक्ट किया तो फिर बूढ़े, फिर डिस्चार्ज हो जाते, तो बैटरी काम नहीं कर रही भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब क्या करें, तो नारद जी को आ गया टेंशन, और उसी वक्त आकाश की वाणी ने कहा नारद ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम कोई सत्कर्म करो। ईश्वर ने ही कहा होगा आकाश के माध्यम से कि तुम सत्कर्म करो। तो नारद जी को लगा सत्कर्म करो, सत्कर्म तो कर ही रहा हूं, ये गीता पाठ सत्कर्म नहीं है क्या, ये भगवत ये क्या वेद वेदांत का पाठ सत्कर्म नहीं है क्या, ये सत्कर्म ही है भाई, लेकिन इनसे ही नहीं हुआ तो अब कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया है। नारद जी को लगा ऐसे पार नहीं पड़ेगा, किसी विद्वान संत के पास जाके पूछना पड़ेगा। तो संत नारद जी जो हैं उन्होंने भक्ति से कहा आप तो बिराजे, मैं अभी वापस आता हूँ। नारद जी गया, अब कई संतों ने पूछो पर कोई संत हवड़ उत्तर दियो नहीं। पचे गया, सोचो बद्रीनाथ जाऊँला वटे भगवान की तपस्या करूँला, भगवान ने पूछूँला, लेकिन भगवान ने वटे जाऊता तो बीचे मिल गया सनत कुमार। सनत कुमारों को प्रणाम करके संत नारद जी ने कहा आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ वो कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। मेरे चेहरे पर जो मायूसी है वो मेरी नहीं है, वो ज्ञान वैराग्य की वजह से है, उनका बुढ़ापा दूर करना है बाबा, ये टेंशन इसीलिए हो रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है मेरा, और आप उत्तर दे सकते हैं, मेरे को आप पे भरोसा है। संत नारद जी पूछियो, तो सनत कुमार जी उत्तर दियो, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद भागवत आलाप सतो गीत शुकादिभि। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ ना, वही तो सबसे बड़ा सत्कर्म है, उससे बुढ़ापा दूर हो जाएगा उनका। अरे बोले भागवत से हो जाएगा, इतना वेद विधान सुना है उससे कुछ नहीं, और भागवत से हो जाएगा, क्या बात करते हो आप, भागवत कोई स्पेशल है क्या। अरे बोले आपको समझ में नहीं आया, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल भागवत महापुराण है, अब कोई पेड़ की डाली तोड़ के खावेगा तो उसको कैसे टेस्ट आएगा, लेकिन हाँ फल खाएगा ना पका हुआ तो बहुत आनंद आएगा क्योंकि उसी में सारा रस भरा हुआ है। इसलिए नारद जी आप जो हैं अब तक पेड़ डाली फूल पत्ते तक थे, फल तक तो पहुंचे ही नहीं, ये भागवत है फल, भागवत सुनाओ। सीधी सी बात है, दूध में घी है पर दूध में घी ऐसे थोड़ी आएगा, मथना पड़ेगा
फिर वो घी अलग होगा, वो घी उससे आप रोटी को चुपड़ के खाओ, फिर वो घी आप शीरे में डालो, फिर आनंद आएगा ना। ऐसा ही नियम होता है, भागवत जो है वो घी है, तो उसको मथना पड़ता है, फिर वो निकलता है भागवत का मक्खन घी, फिर वो सुनाओ तो आनंद आएगा। गन्ना है साफ, शक्कर किससे बनती है? गन्ने से बनती है। अब गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन कोई ये कहे कि यार गन्नो तोड़नो बचे फैक्ट्री में ले जानो बचे तो प्रोसेस कर लो बचे शुगर बनानो बचे शीरा में नेका इन बचे तो गन्ना ही टुकड़ा कर कर नेक दो। गन्ना अगर शीरे में या खीर में टुकड़े करके डालोगे तो क्या आनंद आएगा? नहीं आएगा। है तो वही गन्ना ही, लेकिन उसको शक्कर का रूप देना पड़ेगा तब आनंद आएगा। ठीक वैसे ही ये वेद वेदांत कोई न्यारा नहीं है, अलग नहीं है, है तो वही, पर उसको भागवत रूपी फल बनाना पड़ेगा तब आनंद आएगा। तो आप भागवत सुना। नारद जी कहो ठीक है, बात तो समझ में आएगी, भागवत रो सार तो समझ में आएगी हो, पर भागवत मारे तो मैंने ज्यादा नहीं आवे, तो आप बढ़िया कौन जाने भागवत थे कर दो नहीं भागवत। सनत कुमार जी ने कहा ठीक है। तो सनत कुमार जी नारद जी ने बैठ के बातचीत किए, निर्णय लिए, मैं थोड़ा संक्षिप्त में सुना रहा हूं। तो निर्णय लिया और हरिद्वार के इस गंगा के आनंद नामक तट पर कथा करने का निर्णय लिया। आदरणीय नारद जी आयोजन करता है, संत बाबा आयोजन करता है, तो बढ़िया व्यवस्था कर दी, पंडाल बनवा दिया, व्यासपीठ लगवा दी चारों भाइयों के लिए, चारों भाइयों को निमंत्रित कर दिया, वो आ गए तैयार होकर के, व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। सामने नारद जी ने तीन आसन लगाए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, उसके पास अपना खुद का आसन लगा दिया, उस पर नारद जी बैठ गए। फिर धीरे आसपास सब लोगों को पता चला कि भाई जो है सनत कुमार जी कथा करने आए, तो कई ऋषि मुनि संत मुनि वृंद उनकी कथा सुनने आने लगे, कई लोग जो नहीं आ रहे थे वो भी आने लग गए, भृगु ऋषि उनको पकड़ के ले आए, ऐसे करके खूब लोग आए। अब कथा शुरू हो गई, सनत कुमार जी आ गए, उन्होंने आंखें बंद करके मंगलाचरण किया, सब आ गए लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं आए, वो भी नहीं आए। और नारद जी बैठे और सनत कुमार जी कथा शुरू किए, आंखें खोल के जैसे मंगलाचरण शुरू किया तो सज्जनों उन्होंने कथा की महिमा बताई भागवत की। भागवत क्या है? सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भैया भगवान की कथा ऐसी है ये भागवत की, इसका जो हमेशा श्रवण करता है, मनन चिंतन पठन पाठन अध्ययन अध्यापन जो भी जिस रूप से इससे जुड़ा रहता है, उसको सुनता है पढ़ता है, तो उसके हृदय में उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण आकर के विराजमान हो जाते हैं, ये भागवत की महिमा है। और वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इतना उसको बताया महिमा उसका महत्व। और जैसे इतना बोले ही थे, इतने में सज्जनों कमाल हो गया, हरिनाम संकीर्तन करती हुई एक मंडली सब श्रोताओं के बीच में आई, सब लोग शांति से कथा सुन रहे थे, सबका ध्यान कथा में था, पर उसी वक्त सबका ध्यान भंग हुआ, लोग तो उन्हें देखने लग गया, मंडली ने कई मंडली आई है, कठू आई है, कोई ढोलक बजा रही हो, कोई नाच रही हो, कोई गा रही हो, कोई कई करें, कोई कई करें, और एक स्त्री है उसमें सबसे आगे, वो उस मंडली का नेतृत्व कर रही है। तो लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन है स्त्री मंडली का नेतृत्व कर रही है, ये नेत्री कौन है ये, और ये लोग कौन है? तो सब लोग देखने लग गए, और उधर वो सब लोग गा रहे हैं नाच रहे हैं, तो कथा तो एक बार थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई, सबका ध्यान उधर गया और भगवान के कीर्तन में सब जुट गए, और उसमें सब जुट गए, ज्वाइन हो गए। थारी हूँ मेरी रा घिणियोड़ा दिनड़ा जावे रे मिजाजी थोड़ो जावे रे मिजाजी थोड़ो राम ने सुमिर ले रे ओ मिजाजी थोड़ो हो मिजाजी थोड़ो राम ने सुमिर ले रे I
थारी हूं मेरी राखड़ियों ना गुंडा जावे रे मिजाजी थोड़ो राम ने सुमिर रे ओ मिजाजी थोड़ो राम ने सुमिर ओ मिजाजी तोड़ो राम ने सुमिर रे।
मेरा गिनी उड़ा दिलड़ा जावे रे मिजाजी अरे जावे रे मिजाजी थोड़ो राम ने सुमिर नाम संकीर्तन करती हुई मंडली आई, सब लोग देखवा लग गया तो पतो पूछो भैया कौन है, तो उस वक्त सनत कुमारों ने बताया ये भक्ति महारानी है और साथ ही ज्ञान और वैराग्य ना बेटा है जकाए बूढ़ा हाल लेकिन भागवत रे प्रभाव से जवान हो गया, इनवास तटे कथा में पधारिया है, इनके निमित्त कथा शुरू हुई और उधर उनकी युवानी आ गई तो कथा में दर्शन हेतु पधारे हैं। आदरणीय सनत कुमार जी ने इस प्रकार से कथा को महत्व दिया कि सज्जनों ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, उनको टॉनिक दिया। तो पधारे कथा में भगवान भी पधारिया पर जो भगवान दर्शन दिया और सज्जनों भक्ति महारानी ने स्थान पूछा मैं कहाँ रहूँ, तो बोले आप तो भक्ति हो, भक्ति भक्तों के हृदय में रहती, चौकी लागे तो भक्ति भक्तों के हृदय में रहवा लगी। अब सज्जनों नारद जी महाराज सनत कुमारों ने एक प्रश्न करियो कि महाराज एक बात बताओ, आप बता रहा था कि भागवत सुने कोई तो मुक्त हो जावे, तो एक बात बताओ कोई भगत आदमी कथा सुने और मुक्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति इन कथा से मुक्त हो गई, माता पिता रो आज्ञाकारी बेटो अगर कथा सुने मुक्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें कहने तो मुक्ति रो लाइसेंस है भाई, परंतु कोई पापी आदमी मुक्त हो गई ऐसा उदाहरण है तो बताओ ना। तो सनत कुमार जी ने कहा नारद जी ये कथा तो ऐसी है, ये मान वा पाप कर्तस्व सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिना सप्ता यज्ञ न कलाउपनंति ते। आ कथा तो ऐडी है कि क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलतो रहो वे वर्ण शंकर रीति में जिनो जन्म हो वे पांच प्रकार का महापाप जो का व्यक्ति रोज करी आवे और वो व्यक्ति पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाए, तो भूत प्रेत के शरीर में भी सात दिन नियम से भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और जो जीते जी सुनेंगे उनका तो मोक्ष है ही, कोई संदेह नहीं। सनत कुमार जी नारद जी रो संशय दूर करवा वास्ते कथा सुनाई जो भागवत रे मातमरी कथा है, मैं अपने संक्षेप में सुना दूं आज। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतन पत्तमोत्तम, कैसे अधोगति में गया हुआ जीव मुक्त हो जाता है इस कथा से, वो महिमा है इसमें। तुंग भद्रा नामरिक नदी है, आज भी है कर्नाटक में बहे, हम्पी हॉस्पेट मेरी कथा थी वहाँ बल्लारी के पास, तो मैंने देखा वहाँ बहती है, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी बहती है, ये तो बाबूलाल जी वहीं के हैं तो इनको सब पता है, इन्होंने भी देख रखी होगी। तो वो तुंगभद्रा नदी बहती है वहाँ पे आज भी, और उस नदी के किनारे उस वक्त कोई एक नगर था, अच्छा नगर था, तो उसको उत्तम नगर कहते हैं, कोई बढ़िया होता तो कहते हैं ना भाई उत्तम नगर है ये, तो उत्तम नगर, नगर माने बढ़िया था। और वहाँ एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव ब्राह्मण, बड़े अच्छे पंडित जी, विद्वान, भगवान रा भगत, भगवान रा भगत एडा कि सवेरे मंदिर जाता शाम रा आता पाछा। लेकिन पंडित जी री पत्नी ही जिरो नाम हो श्रीमती धुंधुली देवी, नाम केड़ो धुंधुली देवी, भगवान री कृपा सुनो जेड़ो नाम उनमें वेड़ो ही गुण, वेड़ो ही उनो काम और वेड़ो ही उनो नाम, तो नाम धुंधली तो ही धुंधली, बात बात में पड़ोसी में झगड़ो कर लेती, हर बात में लड़ाई, बोलती थी तो अड़ो लाग तो कोई जाने मिर्चा छिड़क दी, उन्हीं भाषा ही अड़ी ऐसी वो। पंडित जी तो भोले भाले, पंडित जी घरे गऊ माता है लेकिन बांझ है तुलसी मारने रो, वो घर में आए दिन ही सूख जावे, पन पे नहीं, पंडित जी खुदरे कोई लड़को लड़की यानी संतान तो है ही नहीं,
लोगों ने भी थोड़ा भरमा दिया, आपके बेटा नहीं है इसलिए तो गाय बांझ है, इसलिए तो तुलसी सूख जाती है, जिसके बेटा नहीं होता उसको पूत नाम के नरक में जाना पड़ता है। ऐसे वहम के अंदर पंडित जी आ गए और पंडित जी घना ही पढ़िया लिखा विद्वान आ, लेकिन बेमरी बीमारी रहे तो कटे इलाज नहीं है, नहीं चक्कर पड़ गयो माथा में तो बस पड़ गयो, अब कही एक ही बात, मारे बेटो होना चाहिए, मारे बेटो होना चाहिए। नहीं हुआ बच्चा तो बहुत उदास रहे, एक दिन चले गए घर छोड़कर वन में, बोले जिस घर में बच्चे की रुनक जुनक पायल ना बजे वो कोई घर है क्या। सरोवर के किनारे आत्महत्या करने के लिए आ गए सज्जनों, लेकिन वहां एक महात्मा जी आए। पंडित जी ने महात्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन फिर चरणों में सर रख करके जोर जोर से रोने लगे। महात्मा बोले क्या हुआ, क्यों रोते हो, क्या तकलीफ है तुमको, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तुम, क्या बात है, आप रो क्यों रहे। पंडित जी के बाप जी, मैं दुख रो कारण आपने कहीं बताऊं, मारा पित्र मारे से असंतुष्ट है, मारे द्वारा दियोड़ी सामग्री वे स्वीकार नहीं करे, मारे घर गऊ माता लेकिन वाबी बांझे, तुलसी मारे ने विरोह घर में एक दिन सूख जावे, सब रूप कारण मारे घर वही बताएगा कि मारे कोई बेटो नहीं है, इन वास्ते सब गड़बड़ हो रही है, मैं दुखी हो गया, आत्महत्या करने आया था कि जिस घर में बेटा ही नहीं है उस घर में रहकर क्या करूं, मेरा जीवन बेकार है, सुसाइड करने आया, पर आपका दर्शन हो गया, आप तो संत हैं, आप तो भाग्य रेखा बदल सकते हैं, जन्म कुंडली बदल सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, रेख माते मेघ फेरने वाला बाबा होया करे, तो थे तो बाबा जी हो, थे कृपा कर दो मैंने बेटो दे, थे कह दो थारे बेटो वही बस वचन निकाल दो। महात्मा बोले ऐसे कैसे वचन निकाल दिया, देखना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत में है कि नहीं, भाग्य में नहीं होगा तो जबरदस्ती नहीं दे सकते। नहीं 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 बाबा जी, आपके वचन से तो भगवान भाग्य भी बदल देता है। संत ने कहा रुको सामने देखो, मेरे को आपका ललाट पढ़ना है ताकि देख सकूं कि पोथी में क्या लिखा है तुम्हारी ललाट की पोथी में। सामने देखा पंडित जी ने, महात्मा जी ने पढ़ लिया, शांत हो गए, चुप बोले नहीं। अरे बाबा जी बोलो ना क्या लिखा है। क्या बोले जी, बताने जैसा नहीं है। क्यों, ऐसा क्या लिखा है। अब रहने दो तुमको दुख होगा। अरे बोले तो वो तो ठीक है, लेकिन नहीं बताओगे तो डबल दुख होगा, क्योंकि वो दिमाग में वही बात घूमेगी, क्या था पता नहीं क्या था, अब बता दो जो भी है अच्छा बुरा जो भी लिखा है बता दो। महात्मा बोले तो दिल थाम के सुनना पंडित, ऐसा ही लिखा है तेरे किस्मत में, क्या लिखा है। महात्मा बोले सप्त जन्मावधि तव सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च नैव च पुत्रो नैव च नैव च सात जन्मों तक तुमको पुत्र सुख नहीं है, नहीं है और नहीं है। पंडित जी ने तो चक्कर अमन ला क्यों, मैं तो इन जन्म में बेटा रहे वास्ते मर रही थे, हाथ जन्म रो कह दियो। अरे महाराज यू ही कर दियो, डबल दुखी कर दिया महाराज, क्यों मैं क्यों नहीं दुखी, वही तो रोंदे अब देख ले। अरे नहीं 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 माँ बाबा ऐसा मत करो, आप कुछ करो, आप बेटा दे पा, मैं प्रार्थना करो। महाराज खूब ज्ञान दियो, क्या पढ़ा है बेटे हैं बेटी में, क्या पढ़ा है, सही मोह माया में दुनिया फंसती फर्जी है, कुछ नहीं है। उदाहरण भी दिया महात्मा ने, ओ देखो तुम सुनते नहीं भागवत में, 60,000 बेटे थे ना सगर के, कई नियाल कर 60,000 मर गया यूं ही, एक ऋषि रियागरी ज्वाला में लिखी उड़ी उम्र को नहीं लिखी उड़ी तो कटू लागे उम्र, बेटा तो गणी 60,000 होया। देखो बेटे सुख नहीं देते, बेटों से कुछ नहीं होता, बेटा एक हो दो हो हजार हो, खाली एक ममता है, खाली एक मोह होता है, उसमें आदमी फंस जाता है, आदमी को अपना कल्याण तो खुद को ही करना पड़ता है भाई, मरिए ही स्वर्ग मिले। ज्ञानो ही ज्ञान दियो पंडित जी ने, लेकिन महात्मा जी रो ज्ञान पंडित जी ने लागो नहीं। पंडित जी कही क्या है, मैं मांगता हूं बेटा तुम देते हो ज्ञान, बेटा दो बेटा ज्ञान नहीं, ज्ञान तो गणो ही मारे घर, मैं तो खुद पंडित हूँ, शास्त्र पंडित मारे कटे ज्ञान, मारे बेटो चाहिए ते महाराज हो बेटो दो। अरे अब बोले महात्मा को लगा कैसे समझाएं, इतना ज्ञानी पंडित फिर भी ऐसा कर रहा है, कैसे समझाएं इसको। पंडित जी बोले बेटा नहीं दिया तो सरोवर में डूब के मर जाऊंगा, देखना मैं मर जाऊंगा डूब के, धमकी और देवे कि मर जाऊंगा। तो महात्मा को लगा ये बेचारा मर जाएगा, संत को थोड़ी दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना ना, तो दया आ गई, तो
थैली में से फल निकाला, पंडित जी को दे, लो पंडित जी ले जाओ अपने हाथ से अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, भगवान कृपा करेगा, जाओ ले जाओ। पंडित जी खुश नाचने लगे, वाह आपने फल दिया तो जरूर हो। अच्छा बाबा, दौड़ा हुआ पंडित आया घर, पंडित जी ने वो फल जो था धुंधली को दिया, लो देवी ये फल लो खाओ खाओ फल खाओ। धुंधली ने कहा, दिमाग नहीं है तुम, अक्कल नाम की चीज नहीं। अरे क्यों, इतना बड़ा अक्ल का काम किया फिर भी अक्ल नहीं है, क्या बात करते तुम, आज तो बहुत कमाल का काम करके आए हो। अरे बोले अक्ल तो है ही नहीं, बाजार गए 10 घंटा खराब भी किया लेकिन फल लाया एक, और हम घर में है दो, कम से कम 4-5 किलो लेके आते और कम से कम 2 तोले के आते, एक फल से कोई पेट भरता क्या, एक से क्या होगा। पंडित जी बोले, भगवान देवी यही तो समझ में नहीं आता तेरे को, ये फल बाजार में बिकता है क्या, ये बाजार में बिकने वाला फल नहीं है, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाएगी तो पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। अच्छा हाँ खा ले। पंडित जी ने तो फल दे दिया, बात बता दी फल के बारे में थोड़ी, फिर चले गए, उनको कोई अनुष्ठान में जाना था। परंतु सज्जनों, वो संत ने कहा था अपने हाथ से खिलाना, खिलाया तो नहीं, हाथ में दे के चले गए, और फल हाथ में आयो धुंधली रे तो वह तो धुंधली, हाथ में फल आते ही बहुत सारा तर्क कुतर्क आने लग गया मन में, ये फल मैं खाऊंगी, मेरे बच्चा होगा उसका लालन पालन पोषण सब करना पड़ेगा, इस बुढ़ापे में ये सब तकलीफ कौन से भाई, अपने गिरे करनी नहीं, फल खाऊंड़ी नहीं। पछे विचार करियो, मैं वो फल तो खा लूं, कोई नहीं माँ बनूंगी, बच्चा होगा मेरा भी मन लगेगा उसको खिलाऊंगी, लेकिन मैं वो फल खाऊं, गर्भवती हो जाऊं, पेट बढ़ जाए तो मैं तो खांट पे पड़ी रहूंगी, माचा माचा पड़ी रहूं, काम काज तो होगा नहीं, उन टाइम मरूं, मारे घर में काम काज करने वास्ते नणंद भाई साने बुलानी पड़ी, नणंद आई, नणंद वाह आई, घरों काम काज करी और न जाने घर मुँह कितो ही सामान उठान व खुदरे घरे ट्रांसफर कर दी, एडो नुकसान क्यों करनो भाई, एडो छोरो महंगो पड़े, अपने फल नहीं खाना। फिर सोचने लगे, खुद ही सोचती है, खुद ही ऐसे खुद कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती, खुद ही अपने आप में प्रश्न करती है, खुद ही उत्तर देती है। पच्चे सोचियो, मैं वो फल खा लियो, मैं गर्भवती हो जाऊंगा, मारो पेट बढ़ जाओला भाई, प्रेग्नेंट महिला तो पेट बढ़ जाएगा, और पच्चे गाँव में कोई आग वाग लग गई तो अप्रिय घटना घट गई तो गाँव वाला लोग तो भाग जाए, मैं मोटो पेट लेन गट भागू, उल्टो उल्टो हो जाए, नहीं भाई अपने नहीं खाना, ऐसा निर्णय नहीं लेना अपने को, फल अभी हाथ में, डिसीजन भी अपने हाथ में, नहीं खाएंगे, ऐसा सोचती है। फिर सोचती है, फिर उसमें उतने में उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन, तो धुंधली की बहन से धुंधली बातें करती है, ऐसा है वैसा है। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।